ज्योग्राफी, व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन यूपीएससी? व्हाट? आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर. ओके, एनीवन? और टू अंडरस्टैंड द पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑन फिजिकल अप अ प्लेस. हाउ डज इट कोरिलेट विथ अनदर सब्जेक्ट्स? आई थिंक यू ऑल नो और नॉट, ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. That's why it helps not only in geography syllabus but another subject like paper 1 where clearly mention geography in your syllabus, but it helps also in paper 2, it helps also in paper 3. You all are aware about syllabus? No. There are three main stages of UPSC: basic, advanced and correlation. Basic, advanced and correlation. देख, एक बात बहुत क्लियर कर दे, अगर आपने वो अप्रोच फॉलो किया, इफ यू फॉलो माई अप्रोच, देन नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम इवन एन IAS ऑफिसर. कोई नहीं रोक पाएगा. लेकिन दिस इज नॉट फ्रॉम ओनली माई साइड. This is a communication between me and you all. This is a two-way communication, not one-way communication. जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, अगर आप उसको समझ नहीं रहे तो मैं क्या दे रहा हूं ये मायने नहीं रहे. ठीक है. I want to tell you all about me, or you can say very short intro. I have appeared in UPSC interview one time. Given mains 3 times. Also state, if you talk about a state, PCS, I belong from UP. And given interview 2 times. और सबसे बड़ी जो बात थी, बहुत बाद में मैं आया और बहुत ही एनालिटिकल, पूरा का पूरा एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग डिफरेंट सब प्लेसेस में हैं सब, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें मुझे गेन करने का अवसर मिला, बहुत सारी चीजें. जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि Now the scenario is different. जो पहले की चीजें थी और अब उसमें क्या है, काफी कुछ चेंजेस आया. तो यू मस्ट नो अबाउट द चेंजेस, यू मस्ट नो अबाउट द करेंट सिनारियो ऑफ यूपीएससी, यू मस्ट नो अबाउट द करेंट नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ यूपीएससी. यू मस्ट हैव एनालिटिकल एबिलिटी टू एनालाइज द कोर थिंग ऑफ यूपीएससी. यू मस्ट हैव पावर ऑफ कोरिलेशन. देयर आर सो मेनी थिंग्स that are very important. You must have a keen observer. Do you know about observation? What is observation? These are not only words. These are approaches. बस समझ मेरी आ रही है? आ रही है? What is observation? What is observation? एक UPSC aspirant के लिए observation. मैं आपसे इसलिए बताया कि बाकी जो मैं करूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा. कि अच्छा खासा अनुभव है, तैयारी का भी, प्रिपरेशन का भी, अंतिम चरण तक पहुंचने का भी, नंबर खो पाने का. आप कुछ चीजें रह जाती हैं, जो रह जाती हैं वो शायद आप पूरा कर दें. ठीक, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है एक इंसान के फेलियर, उसके सक्सेसफुल, बहुत सारी चीजें. और देर इज नो एनी डिफिनेशन ऑफ सक्सेस. ठीक, सक्सेस इज वॉट? सक्सेस इज रिलेटिव. सक्सेस इज वॉट? कैन यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस इज रिलेटिव टर्म. एग्जैक्टली, अलग अलग चीजें, रिलेटिव टर्म. कुछ लोगों के लिए जो समाज चाहता है, यू ऑल आर हियर फॉर यूपीएससी. कितने लोग अपने मन से ईमानदारी से बात करिएगा, हिंदी तो सब बेहतर समझते हैं ना, अंग्रेजी की क्लास है उसमें सब एनफ, सारी चीजें आपको मिलेंगी. लेकिन जो चीजें कुछ खास है आपको, जो कुछ भाव है वो आपको समझाने के लिए करें, कितने लोग अपने मन से यहां आए, अपने मन से? एग्जैक्टली बताइए. मैं फिर कह रहा हूं कि दिस इज लाइक अ लर्निंग प्रोग्राम. और आप देखेंगे, आप उसका अंतर पाएंगे कि भी खूब सारा एग्जाम है अनुभव, और उसको मैं आपको पूरा डिलीवर करूंगा भर भर के.
इतने अपने मन से आए, ये किसी ने फोर्स करके आपको भेजा है कि जाओ और आईएएस बनो। इट मींस इट इज योर इंटरनल विल, योर ओन डेडिकेशन, यू हैव सेट योर ओन टारगेट। ओके, बहुत जरूरी, हमेशा याद रखिए कि इस फील्ड में तीन चीजें, एक तो किताब मतलब मैटर जो कुछ है वो, एक गाइड, समझिएगा सारी बात, वो जिसको वाकई एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि हाउ टू राइट इन मेंस, ठीक है, हाउ टू यूज ट्रिक्स टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड, इट मींस हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, योर पर्सनल स्किल्स। तीन चरण है ना, प्री मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्या? ऑब्जेक्टिव। मेंस क्या? रिटेन एग्जामिनेशन। एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। व्हाट डू यू थिंक, पर्सनालिटी इज डेवलप्ड ओनली इन वन डे, ओनली इन फ्यू मंथ्स? इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डेवलप योर पर्सनालिटी ओनली इन फ्यू मंथ्स, इन फ्यू डेज? इज इट पॉसिबल? आप खुद ही बताइए, इज इट पॉसिबल? लॉजिकली इट इज अ रेगुलर प्रोसेस माय डियर, इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। यू कैन एड ऑन समथिंग इन योर पर्सनालिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू एवॉल्व योरसेल्फ रेगुलरली। इस क्षण भी आपको सीख रहे हैं हमसे, वी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड शेयरिंग सम थिंग्स विथ ईच अदर। सारी चीजें जैसे जैसे आएंगे आप कुछ ऐड करेंगे, सीखेंगे। और अगर मुझसे आप पूछें तो मैं सबसे बोलता हूं, सबसे बोलता हूं, क्योंकि मैं यहां से पढ़ाता हूं, जानने के लिए जो है वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, लेकिन यहां से क्योंकि बहुत पैशनेट होकर पढ़ाता हूं। और वो सारी चीजें मैं जब आपको देखता हूं तो घूम जाती हूं, एक डिफरेंट बीएससी स्टूडेंट, उसके बाद एमएससी बायोटेक, फिर कैसे पूरी तरह से चीजें हमारी घूमी और किसी ने हमको भी कभी चैलेंज दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर एक नई जर्नी शुरू। आज आपको पढ़ा रहा हूं, अंतिम चरण तक कई बार लग रहा था कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, नहीं हुआ। वो सारी चीजें घूमती और इस फील्ड में हूं भी कि बस वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके अंदर डाल सकूं। और मुझे उन चेहरों की तलाश है जो मेरी बात समझते हैं। बहुत सारे लोग एग्जांपल दे रहे हैं, मैं केवल ही नहीं पढ़ाता, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। बस ये है कि मेरे पास जितना टाइम है वो सब मैं कहीं ना कहीं पढ़ाता। मैं तो चाहता हूँ मैं थक के गिर जाऊं फिर मैं जाऊं सोने। मैं बिस्तर पर केवल करवट बदल की नींद लेने नहीं जाता कभी। मेरा एक है कि जब गिर के आप थक कर गिर जाइए तब सो जाइए, सोने के लिए बिस्तर पर मत जाइए। और आप सभी कहना चाहिए क्योंकि बहुत करीब से देखा है हम लोगों, इसलिए वैसी एनालिसिस आपको करके बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। आज पहले दिन इसके बाद ये सारी बातें नहीं हुई, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की बात, आज की क्लास। पैशनेट रही है अपने काम, बिना पैशन के नहीं। तीन चीज मैंने कहा, बुक्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत कुछ है। कहा जाता है एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन इंक्लूड्स इन ज्योग्राफी, जीएस है ना, सब कुछ है ही है। तो देयर इज नो डेफिनेट सिलेबस, कुछ यूपीएससी ने डिसाइड किया है लेकिन फिर भी कोई डिस्क्राइब सिलेबस नहीं। तो वो इतनी सारी चीजें, फिर मैंने कहा एक गाइड आपको अच्छा होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, यू हैव योर इंटरनल थ्रस्ट, समझते हैं ना, आपको प्यास होनी चाहिए। आप अपने लिए बने, एक कारण आपको होना चाहिए जिसकी वजह से आप आईएएस बनना चाहते, और दैट शुड योर्स। वो आपका अपना हो, किसी दूसरे का नहीं। ये किसी दूसरे के लिए बन रहे हैं, कल को उसने अपना डिसीजन बदल दिया तो आप भी बदल दोगे ना, क्योंकि दिस इज टेस्ट मैच, ये वन डे मैच नहीं। यहां आपको रुकना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं, अलग अलग व्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रेजुडिस भी होंगे, हो गए बहुत सारे, जिस क्योंकि जिस परिवेश में आप रहते हैं बहुत सारी चीजें आप वहां से गेन करते हैं, तो एक अजीब सा प्रेजुडिस बन जाता है। लेकिन यूपीएससी में पूरा साफ, एक न्यूट्रल तटस्थ, हम आपको बताएंगे इसीलिए ऑब्जर्वेशन, इसलिए केवल वर्ड नहीं है, ऑब्जर्वेशन के एनालिसिस कोरिलेशन वो ट्रेंड आपको दिखाएंगे, किस अप्रोच से पढ़े, कैसे पढ़े, किस पेपर को कहां से कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे अच्छा आंसर, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें, हाउ टू रिप्रेजेंट अ बेस्ट आंसर इन योर कॉपी, इन योर पेपर, ठीक।
क्योंकि वही तो मेंस का वही पेपर ही तो आपका है ना, आप तो उसके पास डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे ना, डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका कहाँ होगा, इंटरव्यू में। बाकी मेंस में क्या है, आपका वही पेपर वही कॉपी आपकी जो है उसी से आपको जज करेगा आप कैसे हैं। देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट विद पीपल, एक तो डायरेक्टली इंटरेक्शन वी आर एज वी इंटरेक्ट डायरेक्टली विद टीचर, एक तो है क्या पेपर आपने कुछ लिखा मेरे पास आया मैं उसको चेक कर रहा हूँ, वो भी तो है ना इंटरेक्शन ही तो है, अलग माध्यम से है ठीक, कहीं केवल डायरेक्ट नहीं कहीं केवल इनडायरेक्टली सुन के भी कोई ऑब्जर्व कर सकता है, यही सब है ना। तो आपको हर स्टेप में सीखना पड़ेगा, इंटरव्यू की बात आएगी, बात की बात है सबसे ज्यादा कैसे प्रेजेंट करें, कैसे हम्बल रहना विथ नॉलेज, कैसे कॉमन सेंस का एप्लीकेशन करना, कैसे अप्लाइड नॉलेज को पकड़ना, कैसे कोरिलेट करना है चीजों को, क्योंकि बिना उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, बहुत जरूरी। प्री में कैसे ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ जानने के बाद ट्रिक्स अप्लाई करनी होगी, उससे पे नहीं होगा, उसमें सीखना पड़ेगा। तो पूरा एक लर्निंग प्रोग्राम है और सारा सारा अनुभव सारा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, शेयर करूंगा ठीक है। लेकिन पहली चीज जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें कि जैसे जब शुरू कर रहे हैं हम लोग, एज वी स्टार्ट देन वी शुड नो व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन यूपीएससी, वेयर इट इज डिस्क्राइब्ड, कहां है ये, वेयर इज इट्स डायरेक्ट रोल, वेयर इट्स इनडायरेक्ट रोल, कहां इसका इनडायरेक्ट है, हाउ टू कोरिलेट ज्योग्राफी, हाउ टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ज्योग्राफी इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ऐसे लिखते हैं ना आप, ऐसे ऐसे निबंध लिखते हैं ऐसे, तो उसमें भी है पेपर फर्स्ट में तो मेंशन है ही, आपको बताएंगे दिखाएंगे। इट मींस यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द सिलेबस, आप कितने लोग इसमें सिलेबस जानते हैं, एक जो जनरल सिलेबस है यूपीएससी का पूछे, तो बहुत जरूरी। सिलेबस इज जस्ट लाइक एन एड्रेस, आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए पते की जरूरत होती है, कैसे निकल जाते हैं घर से, बात समझिएगा लॉजिकली, बात समझ में आ रही है ना, आ रही है बात समझ में, आप कहीं जाते हैं तो पते की जरूरत पड़ती है, उसी अब जाते हैं, याद रखिएगा। कभी भी ये नहीं सब कुछ पढ़कर फिर आप पेपर देख रहे हैं फिर सिलेबस देख रहे हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। देर इज नो एनी शॉर्टकट, बट इट इज नहीं भी, आप सोचेंगे कि आई एम कॉन्ट्रडिक्टरी इन माई वर्ड्स, कि नहीं भी है शॉर्टकट फिर भी कह रहे हैं, वो आप कब समझेंगे, शॉर्टकट नहीं है मतलब सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, वो शॉर्टकट है। दो चीजें, सिलेबस मस्ट है, जो भी डिस्क्राइब्ड सिलेबस है यू मस्ट नो अबाउट इट, एंड यू शुड हैव पेपर एनालिसिस बिफोर स्टार्ट योर सिलेबस, आपको वो भी जरूरी है जानना। जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे कई लोग आपको मिल जाएंगे कि पहले पूरा पढ़ लो फिर करो, देखते रहो क्यों, दैट विल बिल्ड योर अप्रोच, आप समझिए। जैसे कोई चीज आप फ्लैट पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बार आप देखिए सब आएगा, व्यवहारिक बातें आपसे बताएंगे, जो आप सब कुछ जैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया फिर आप पेपर देखने जा रहे हैं, एक वो बात होगी, लगेगा आपको अरे बहुत सारी चीजें नई, आपने एक बार पेपर देख लिया, आपको मैं सॉल्व करने को नहीं कर रहा हूं, आपको पेपर सॉल्व नहीं करना, आपने पेपर एक बार देख लिया ठीक है, वहां से आप एक आइडिया आपको होगा, यू गॉट आइडिया एन आइडिया अबाउट पेपर। उसके बाद जब आप पढ़ने आएंगे ना, तो जब आप पढ़ेंगे तो उस दौरान आपका दिमाग क्या करेगा, वर्क करेगा कि कैसे क्या है, वहां क्वेश्चन कैसे था, ये कंटेंट क्या है ठीक, वो अप्रोच बिल्ड करेगा कि आप उस पढ़ने में वो सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर खोजने की क्या है कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड दैट आंसर्स, वो आप कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा आपका काम आसान हो जाए ठीक। और उसके अलावा एक काम और करना है ऐसे आगे, तो प्री का भी देखना है मेंस का भी देखना है, देखते रहना, बहुत सारे नेट पे टॉपर्स की कॉपियां पड़ी होंगी, कॉपीज हैं देखा होगा आपने, देखते रहिए बीच बीच में, ये नहीं इकट्ठे बाद में जाके देखिए ठीक। सम टॉपर्स आर रिटन इन पॉइंट, कुछ ने पैरा में लिखा, देयर इज नो एनी जनरल रूल कि आप किस में लिखें, लाइंस में लिखें कि आप पैरा में लिखें, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, दिस इज बेस्ड ऑन योर
क्वेश्चन, व्हाट इज आस्किंग यू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर बेस्ड। ठीक, यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वेश्चंस, बहुत सारा ना, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालिसिस, ठीक, कमेंट ऑन दैट है, सारी चीजें मीनिंग है। कितने लोगों को पता है कमेंट में क्या करते हैं आप, व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, एकदम जरा सा भी एकदम डोंट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। एज आई थिंक, एज आई सेड, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। ठीक, जो आपको पूछना आप मेरे से पूछो, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और मैं सही बता रहा हूं कि इंजॉय करेंगे आप पूरी इस जर्नी को। आज हम लोग एक जर्नी पे हैं, शुरू कर रहे हैं ना आज, दिस इज आवर फर्स्ट डे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा मेन जो टारगेट है, माय मेन एम, और यू कैन से मेन टारगेट इज दिस, टू डेवलप यू एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी। क्योंकि मुझे पता है कि उसके बिना यूपीएससी नहीं होगा। और मैं एक दावा करता हूं आपको, ये भी आप समझिएगा, अगर आप वाकई इस जर्नी को इंजॉय करते हैं तो मेरा दावा है कभी भी जीवन में आप बेकार नहीं। कभी भी आप बेकार नहीं, यू फील अ रियल एनर्जी, यू फील अ इटर्नल एनर्जी इन योर सेल्फ। आज अभी मुझसे बात कर रहे हैं आप मुझे देख रहे हैं, एक जर्नी थी एंड हुई, एक नई जर्नी शुरू, बस समझ रहे हैं। आपके पास एक विजन रहेगा, कुछ भी करेंगे बेहतर करेंगे, आप यकीन मानिए कुछ भी करेंगे आप बेहतर ही करेंगे। मेरा तो मानना है सबको एक दो साल तैयारी करना ही चाहिए यूपीएससी, चाहे वो बने चाहे ना बने करना चाहिए। वो अपने अंदर फील करेगा एक चेंज, डेफिनेटली फील करेगा। आप आज से अगर थोड़ा सा, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, बिना ऑब्जर्वेशन के काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग बात करेंगे, रोल, जैसे तमाम वर्ड्स की बात, अप्रोच, रोल, अप्रोच, ठीक है, सिलेबस, सब कुछ यूपीएससी का बात करके फिर हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ेंगे। क्लियर, व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, गुड, वेरी गुड। व्हाट इज कमेंट, कैन एनीबडी एलैबोरेट इट, ओके, वेरी गुड। व्हाट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी इशू, कमेंट, आप कहते हैं ना कमेंट करते, कई लोगों को आप कमेंट करते हैं ना, आप कहते हैं कमेंट करिए इनके ऊपर, या कमेंट पास करते हैं ना। ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, देखना समझना, एनालाइज, ऑब्जर्वेशन। जैसे आप कहीं निकल रहे हैं, कोई स्लम है बगल में, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या कुछ, आप समझ रहे हैं ना, कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, अगर पहले थे तो अब तो नहीं है, सामान्य आदमी नहीं है। फिर जैसा मैंने कहा, ये पूरा एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूपीएससी की तैयारी अपने आप, इटसेल्फ आपको ऑब्जर्व करना होगा। आप नॉर्मल नहीं कि नहीं, होगा होगा स्लम, हमसे क्या मतलब है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक, ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन, कैसे बिल्ड हुआ, कैसे बिल्ड हुआ, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम्स। आप देखते हैं ना, आप आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, अर्बनाइजेशन सब है इसमें, अर्बनाइजेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, टेंडेंसीज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, सब देखते हैं ना सारी चीजें सब। तो जब तक आप प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, ऑब्जर्व नहीं करना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपके जो रीजनल लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके स्टेट से, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से, सब हम सारी चीजें, वहां की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या पूछेंगे, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आर योर रीजन। तो अब तो आप सामान्य बात कर सकते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, तो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है ना। स्पेसिफिक वो तभी होगा जब आप ऑब्जर्व करें कि आपके रीजन, आपके क्षेत्र की स्पेसिफिक प्रॉब्लम हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो चलिए,